हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ गूगल फोटोज़ में आप बैकअप कैसे बंद कर सकते हैं। होता क्या फ्रेंड्स, यदि आपका मोबाइल में बैकअप चालू रहता है तो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक बैकअप चालू रहता है, यहाँ सारी फोटो वीडियो का बैकअप बनाता रहता है आपके मोबाइल में गूगल फोटोज़। तो होता क्या है कि आपका जो भी मोबाइल डाटा है, जितना MB आपको मिलता है एक दिन का, सब कुछ खत्म हो जाता है, आप बिल्कुल यूज नहीं कर पाते हो सोशल मीडिया। तो दोस्तों, इस चीज़ को बंद करने के लिए, या फिर आप दोस्तों चाहते हो कि 5 MB 10 MB तक का ही बैकअप हो, या फिर आप चाहते हो कि जब वाईफाई ऑन हो तो तभी केवल बैकअप हो, आपका मोबाइल डाटा बिल्कुल भी यूज ना हो, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि कम्प्लीटली आप बैकअप लेना नहीं चाहते, बैकअप कम्प्लीटली बंद करना चाहते हो मोबाइल में कि बिल्कुल भी बैकअप ना हो, तो उस चीज़ को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो कम्प्लीट देखते हो, आपको यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो हमारे इसमें भी ऑटोमेटिक यहाँ पर बैकअप बनाता रहता है। जैसे मैंने कोई फोटो क्लिक किया है तो इसका इस तरह से बैकअप बनाता रहता है। तो इस चीज़ को ही बंद करने के लिए मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, गूगल फोटोज़ के ऑप्शन पे आ जाना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से फोटोज़ वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे। जितना भी आपने रिसेंटली में फोटो वीडियो खींचा है या बनाया है, सबका ये बैकअप बनाता रहता है। इस चीज़ को बंद करने के लिए दोस्तों क्या करना है, गूगल फोटोज़ के सामने हमारी प्रोफाइल दिख रही है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरी मेल आईडी, उसके नीचे मैनेज योर गूगल अकाउंट। अब जस्ट उसके नीचे आते हैं तो बैकिंग अप, यहाँ पर बैकिंग अप चालू है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप फोटो सेटिंग में जा सकते हो। पहले आप फोटो सेटिंग में यदि आप जाते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हम फोटो सेटिंग में आ जाते हैं, और बैकअप अप एंड सिंक का ऑप्शन आपके सामने इस तरह आ जाता है। इस तरह से इसको खोलने से इस तरह से खुलेगा। अब आप इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, या फिर दोस्तों आप इसको आप सेलेक्ट कर रहने दीजिए। आप चाहते हैं वाईफाई से आपका जो बैकअप हो तो केवल वाईफाई से हो, तो उसके लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मोबाइल डाटा यूजेस पर आपको सेकंड नंबर पर आ जाना है, मोबाइल डाटा यूजेस पर। और आप चाहते हो एक दिन में केवल 10 MB का बैकअप हो, तो आप 10 MB सेलेक्ट कर सकते हो, आपका मोबाइल डाटा का 10 MB केवल खर्च हो, तो आप नीचे वाले को ऑन करिए और 10 MB को सेलेक्ट कर दीजिए। आप चाहते हो कि ये सब कुछ ना होकर अनलिमिटेड, मतलब जितना भर फोटो वीडियो सबका बैकअप हो और आपका जो है डाटा बिल्कुल खर्च ना हो, तो उसके लिए आपको अनलिमिटेड में सेलेक्ट कर देना है, और आप वाईफाई क्लिक करिए, इसको बंद कर दीजिए मोबाइल डाटा, तो आपका मोबाइल डाटा बिल्कुल खर्च नहीं होगा। वाईफाई जब भी पाएगा, किसी का पाएगा, सारे बैकअप बना लेगा गूगल फोटोज, आपकी फोटो वीडियो भी सेफ हो जाएंगी और आपका जो है बैकअप भी बंद रहेगा, मोबाइल डाटा भी यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप चाहते हो कम्प्लीटली बैकअप बंद करना, तो वाईफाई का भी बंद कर दीजिए और मोबाइल डाटा का भी बंद कर दीजिए, और यहाँ से कम्प्लीटली बैकअप बंद हो जाएगा। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो कर रहा है।